बनने तो तुझसे मिल रहे। हाँ क्या कह रही थी? क्या कहती कि कॉल पे बात नहीं करता। कान पर रख के क्यों नहीं तूने उसके उसके बाप ने तेरा बंदा जनवा रखा है? और आधे घंटे तो तुम बात कर रहे हो फोन पे, बंदा शांति से काम नहीं कर सकता क्या? और अगर इसका फोन नहीं उठाओ तो इतने कॉल करेगी, इतने कॉल करेगी, परेशान होगी तो फोन बंद करना पड़ जाएगा या फिर मिस कॉल तबाही बंद होगी जब इसको अपना कोई काम याद नहीं आया था। और अगर इसका वही काम किसी जैसे रह गया तो उसको ब्लेम भी कुछ जैसे बॉयफ्रेंड डाल दिए कि जो तुमने फोन नहीं उठाया उस दिन मेरा ये काम रह गया। सारे लड़कों में एक सेंस होता है कि मतलब फोन नहीं उठाना तो बिजी हो गया, लेकिन नहीं, इसके हिसाब से तो मेरी लाइफ बिजी ना होकर वर्डी नहीं होना चाहिए। यहाँ इतना टाइम होता है कि मैं घर से ढंग से बात कर सकूँ, उसको सारा टाइम किसी से करूँ। और क्या कह रही थी? और कह रही थी कि जब भी बात करता है एक ही टॉपिक होता है उसके पास, सेक्स का। पहली बात तो ये प्राइवेट बात है, उसको तेरे से बात शेयर ही नहीं करनी चाहिए। और दूसरा, मुझे कोई ये बता दे कि बंदे को सेक्स के अलावा कोई सोचता है क्या? बंदा रिलेशनशिप ही सेक्स के लिए बनाता है, वरना हमारा आदमी इतना अच्छा काम तो करता है इसमें जंग तोड़ने लग गया। और तू ही बता मैं उससे क्या बात करूँ? ये बात करूँ कि इस दुनिया के बाहर भी दुनिया जिसे देश कहते हैं, या फिर ये बात करूँ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री आजकल दूसरे देशों में रहकर मरवा रहा है और ये भूल गया कि हमारे देश का प्रधानमंत्री है? और एक एक इसका सेक्स ऊपर से केमिस्ट वाले साला, अभी दो दिन पहले मैं केमिस्ट पर कॉन्डम लेने गया, मैंने कहा भाई मैनफोर्स देना, तो कहता है क्या कॉन्डम चाहिए? अभी खुद को एक बार बताया कि मैनफोर्स आजकल चॉकलेट भी बना रहा है क्या? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये नहीं कि वो लड़की है, प्रॉब्लम ये है कि वो गर्लफ्रेंड है साला। एक लड़की को छेड़ने में जो मजा है ना, एक गर्लफ्रेंड कोई बुरा नहीं कर सकती। तू उसे छेड़ना चला जाता है क्या? कहती फ्रेंड्स में अच्छी इमेज है और इन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम इनके सामने मत छेड़ा करो एंड ऑल दैट। और किसी लड़की को छेड़ो और गलती से बता दो ना, तो कहती है हाँ तुम्हारा तो मन भर गया, मुझसे यू डोंट लव मी, मैं इवन यू कैन आल्सो ट्राई दिस थिंग। भाई तू अपनी गर्लफ्रेंड को भी खुश नहीं सकता क्योंकि वो फ्रेंड्स, ओ सॉरी वो फ्रेंड नहीं, बेस्ट फ्रेंड के साथ खुश है। चला मेरे को समझ नहीं आता कि लड़कियों को बेस्ट फ्रेंड मिल कहां से जाता है, और ये अपने बेस्ट फ्रेंड को घूमे फिरे, नाचे गए, ऐश करे, कुछ भी करे, सॉरी कॉमन। लेकिन तू किसी लड़के साथ खड़ो के बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर इसी ने तुझे तेरी किसी फ्रेंड के साथ देख लिया तो मजा आ जाए, खड़ी हो जाए वहां से रोती रोती भाग जाएगी और साधु तो किसी बेस्ट फ्रेंड को अपनी सौतने का टाइम आगे तेरे ताने मारती रहेगी। और इनके लिए सब बहुत कॉमन होता है यार, लेकिन हम किसी दूसरे लड़के से खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्योंकि इनके हिसाब से हमारी लाइफ में सिर्फ एक ही लड़की होनी चाहिए जो कि ये खुद है, और इनके लिए दुनिया के सारे लड़के इनके बेस्ट फ्रेंड हो। और कह रही थी कि पैसे वैसे बहुत खर्च करता है, सेविंग नहीं करता बिल्कुल। इसकी माँ का करूंगा, मेरे पैसे इसके बाप के पैसे नहीं है और इस पर ही तो खर्च करता हूँ। अब हर हफ्ते इसको मूवी देखने जाना होता है, जब तक इसके लाइफ में मैं नहीं था ना तो अपने घर के सभी टीवी मूवी नहीं देखती होगी, लेकिन नहीं, अब तो बॉयफ्रेंड मिल गया ना, फ्री में इनको बिठा के बड़े पर्दे मूवी दिखाएगा, वो भी सबसे महंगे सिनेमा में, और कम से कम दो फिल्मों तो देखती है साला। एक मूवी का खर्चा भी 3,000 से ज्यादा का बैठता है, और इतनी बड़ी भुक्कड़ घर से कोई ठूस के नहीं आएगी, कहती है बाहर ही कुछ खा लेंगे। एक बार पीवीआर में मूवी के टाइम बर्गर लिया था, तब से लेकर मुझे आज तक ये समझ नहीं आया था कि ये मूवी देखने जाता हूँ बर्गर खाते हैं या फिर बर्गर खाने के लिए मूवी की टिकट लेते हैं, और मेरे फोन का बिल भी 4,000 से ज्यादा का बैठता है हर महीने का। अब तू हिसाब लगा ले कितना खर्चा करवाती होगी, और मेरा वाला बिल गेट्स तो है नहीं जो इतने खर्चे के बाद भी घंटा से शिपिंग करूं। ये कहती थी कि बात नहीं मानता, मुकर जाता है, लोग बोलता है। यार हम लोग को सलमान खान तो नहीं कि एक बार कमेंट वेट कर दो, किसी की नहीं सुनूंगा। अभी 2-3 दिन पहले मैं भी घूमने जाना था, उससे एक दिन पहले रात को ना मेरे को मेरी तबियत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा मुझे, और जब मैंने इसे सच बताया तो बोलती है कि तुम्हें नहीं जाना था तो मना कर देते ना, बहाने तो मत बना। अरे बंदा मर जाए लेकिन जो वादा किया वो पूरा करना पड़ेगा। अब इन लड़कियों को ये कौन बताया कि हम लड़की लड़की छूटे थोड़ी ना होते। और क्या कह रही थी? और बातचीत भी बहुत अच्छा है, मैंने बात भी की है और अच्छा खासा टाइम पास करा देता है। और तू जरा सब बोल के देख ले कि बेबी तुम्हारी ये फ्रेंड अच्छी लगी, क्या नाम है इसका? तेरी जिंदगी नरक नाम बना देना तो नाम बदल दियो। चले हर 2 दिन बाद ताने पड़ेंगे कि अब मैं एक अच्छी लगी तुम्हें, तो वो पसंद आ गई है ना, और तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना उसके साथ। तो यार ये हमारे दोस्तों को कमेंट कर दो ठीक है, लेकिन हमने एक बात क्या होती है साली, तो जान ही ले लेती है।